मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है। और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना? परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना, सदा जीवित रहना है। आप भी सदा जीवित रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे, अपना व्यापार बढ़ते देखना चाहते होंगे। परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं, किसी ना किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यु आपको पकड़ ही लेंगे, है ना? परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या इस फल को देख रहे हैं? आप अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं। परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अभी तो इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है। और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाए। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को,
इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने। आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे, पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी